iOS 16.7.4 अपडेट फीचर्स एंड बैटरी टेस्ट। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया है, सॉरी फॉर दैट, बट एक्चुअली गाइस मैंने इस अपडेट को मॉर्निंग में ही अप टू डेट कर लिया था। वेल बी, सो अब यहाँ पे बात करेंगे इसकी बैटरी परफॉर्मेंस मैंने निकाल ली है, एंड एक्चुअली मैं आपको ना दो वीडियोस देता था, तो डैट साइड मैंने सोचा कि मैं इसको अपडेट भी कर लूँ एंड बैटरी टेस्ट भी कर लूँ, बट आपको दोनों ही रिजल्ट इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि क्या आपको ये अपडेट करना चाहिए। ये मेरे पास अभी iPhone 8 Plus मॉडल है जिसके अंदर iOS 16.7.4 का अपडेट आई हुई है, एंड इस आईफोन के अंदर मैंने Geekbench का भी डेटा निकाल लिया है सो डैट मैं आपको प्रॉपरली बता पाऊँ, राइट। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें इस अपडेट के साइज़ की, तो साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, जस्ट आपको जो तो यदि बात करें अपडेट साइज़, तो जस्ट यहाँ पे 191 MB है। तो अभी डिपेंड करता है अगर आपने प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल किया हुआ था, तो लगभग 200 MB का जो अपडेट है। अगर बात करें दोस्तों, मैंने इसके स्क्रीनशॉट लिए हुए, मैं आपको डिटेल में बताना शुरू करता हूँ, मैंने बैटरी टेस्ट भी निकाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो का वेट करने की, तो फिलहाल आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसको जो चार्ज भी किया हुआ था, देख सकते हैं जो कि लास्ट चार्ज 100% हुआ है 1:20 आज के टाइम, और इसको ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 3 घंटे और 50 मिनट तक यूज़ कर लिया, ऑलमोस्ट कह लें कि 4 घंटे मैंने यूज़ कर लिया, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी बैटरी ड्रेन हुई है। सबसे पहले मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, अगर आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड इस तरीके से लेके जाता हूँ यहाँ पे, देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो है 16.7.3 जो है आप सभी इसका जो है iOS वर्जन का देख सकते हैं बिल्ड नंबर, एंड यहाँ पे जाते हैं इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बिल्ड नंबर चेंज हुई है या फिर नहीं। जनरल्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे, ऑलराइट गाइस, तो आप सभी यहाँ पे तो क्लिक करते हैं iOS वर्जन पे, एंड बिल्ड नंबर आप सभी देख सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे बिल्ड नंबर जो है चेंज है। जी हाँ, तो बिल्ड नंबर चेंज हो चुका है, इट मीन्स यहाँ पे बग फिक्सेस हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अवेलेबल स्टोरेज, तो अवेलेबल स्टोरेज जो है अपडेट के बाद मेरे पास 33.13 GB है, और अभी जो है पहले कितनी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट के पहले जो है मेरे पास 33.27 थी, ऑलमोस्ट ठीक है यार, यहाँ पे स्टोरेज का कोई इशू नहीं रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें क्या कुछ फीचर मिलते हैं इस अपडेट के अंदर, तो फीचर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा ही देता हूँ। क्लिक करेंगे इस तरीके से, जाते हैं यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों वाकई में अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों आप सभी खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, दिस अपडेट फिक्सेस एंड इश्यूज वेयर बिल्ट इन एप्पल एप्स दैट यू हैव बीन डिलीटेड मे नॉट री इंस्टॉल्ड। इट मीन्स अगर आपने कोई ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड की थी पास्ट में, एंड उस ऐप को आपने किसी कारण डिलीट कर दिया अपने मोबाइल फ़ोन से, देन क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो एप्लीकेशन री इंस्टॉल्ड नहीं हो रही है, देख सकते। तो ये सबसे बड़ा बग देखने को मिल रहा था कि भाई आपकी एप्लीकेशन ही इंस्टॉल नहीं हो रही थी, राइट। तो इसीलिए एप्पल ने जो हरी अप में इस अपडेट को रोल आउट किया है आपके सभी iOS 16 सपोर्टेड डिवाइस के लिए। अब आप कहोगे अगर इसको इंस्टॉल करना चाहिए अभी नहीं, तो डेफिनेटली कर लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, अब मैं बैक कर देता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स के ऊपर, एंड बैटरी टेस्ट में आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लाता बट अब डिले हो गया, तो मैंने दोनों चीज़ें एक में कवर कर दी हैं। मैं आपको बैटरी के ऊपर ले जाके दिखा देता हूँ। मैंने इसको 1:20 जो है चार्ज किया था, टाइमिंग आप देख सकते हैं अभी जो है टाइमिंग हो रही है 5:16, ऑलमोस्ट कह ले कि यहाँ पे 4 घंटे हो ही गए हैं, ठीक ठाक मान लो आप। और यहाँ पे जो यूसेज है 3 घंटे 56 मिनट 4 घंटे की आप यूसेज मान सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है जीरोधा काइट एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, एक्चुअली गाइस मैं ट्रेडिंग करता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आज मैंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आज मैंने ना यहाँ पे 42,000 का प्रॉफिट किया है, एंड ये जो है मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बट ये चीज़ आपको बतानी नहीं चाहिए फिलहाल। तो अभी जो है मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा था पूरा दिन, इसी से मैं ट्रेड डालता हूँ, लैपटॉप पे यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये जो है मैंने अच्छे से यूज़ किया, तो ये सबसे बड़ा बग देखने को मिल रहा था कि भाई आपकी एप्लीकेशन ही इंस्टॉल नहीं हो रही थी, राइट। तो इसीलिए एप्पल ने जो हरी अप में इस अपडेट को रोल आउट किया है आपके सभी iOS 16 सपोर्टेड डिवाइस के लिए। अब आप कहोगे अगर इसको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, तो डेफिनेटली कर लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, अब मैं बैक कर देता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स के ऊपर, एंड बैटरी टेस्ट में आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लाता बट अब डिले हो गया, तो मैंने दोनों चीज़ें एक में कवर कर दी हैं। मैं आपको बैटरी के ऊपर ले जाके दिखा देता हूँ। मैंने इसको 1:20 जो है चार्ज किया था, टाइमिंग आप देख सकते हैं अभी जो है टाइमिंग हो रही है 5:16, ऑलमोस्ट कह ले कि यहाँ पे 4 घंटे हो ही गए हैं, ठीक ठाक मान लो आप। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने इस आईफोन को ऑलमोस्ट 4 घंटे तो नहीं कहूँगा कि हाँ 3 घंटे लगातार इसको यूज़ किया, तो उसकी जो बैटरी लेवल है अब आ चुकी है 69-70 मान लो, तो ऑलमोस्ट कह लें कि भाई यहाँ पे 1 घंटे में 10% बैटरी फॉल हुई है। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे 30% बैटरी फॉल आउट हो चुकी है। अभी डिपेंड करता है आप यूज़ कैसे करते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया, दैट्स यहाँ पे जो है इसकी इस तरीके से जो 3 घंटे की टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 70% पे आ चुका है फ़ोन, तो 30% फॉल आया 3 घंटे में। मैं तो कहूँगा यार ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ओवरड्रॉन हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक हो रही है बैटरी ड्रेन, एंड ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली यहाँ पे ऑटोमेटिकली विदाउट यूसेस हो रही है, तो ये तो मुझे नहीं देखने को मिला। ऑलमोस्ट ये जो है अपडेट मेरे को बहुत सही लगा है, एंड इसको मैंने यूज़ भी किया है। बैटरी के मामले में कोई आपको ओवर ड्रेन नहीं देखने को मिलेगा, ये गारंटेड है। और मैं आपको Geekbench के बारे में बता ही देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ इस तरीके से, एंड हिस्ट्री निकाल के रखी है मैंने, तो यहाँ पे जो मल्टी कोर स्कोर आया था वो है 1907, और जो सिंगल कोर स्कोर आया था वो है 1075, जो कि 16.7.3 अपडेट।
जो कि 16.7.3 अपडेट में मिली थी मुझे ये वैल्यूज। एंड अगर बात करें अब 20 दिसंबर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर कितना बढ़ चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल कोर स्कोर कितना बढ़ चुका है। तो इट मीन्स कहें कि ये डिवाइस जो है, जो अपडेट आया डिवाइस में, ये ओवरऑल वैसे भी बढ़िया है एंड आपके परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।